बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है और थोड़े दिनों बाद रोज़े स्टार्ट हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हर मुसलमान को इस महीने का इंतज़ार होता है और ये हमारी खुश नसीबी होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में इतने सारे रमज़ान देखने को मिले। तो आई होप कि मेरी तमाम प्यारी प्यारी बहनों ने रोज़ों की बहुत अच्छी तैयारी कर ली है। तो प्री प्रेप्स जो होती हैं खानों की, वो सारी बना के रख ली है और फ्रीज़र को खाली कर लिया होगा, और ताकि उसमें हम रोज़ों के हवाले से जो नया सामान है, वो नया स्टफ़ है, वो सारा उसमें भर सकें। और कुछ डिशेस जो हैं वो हमने हाफ़ डन करके रख ली हैं। कुछ लोग समोसे, रोल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं ताकि रोज़ों में उनको कम से कम टाइम देना पड़े और उनकी मेहनत भी कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत को दे सकें। तो बिल्कुल माशाल्लाह से ये हमारी सारी बहनों का एक विश होती है और उसके लिए हम एफर्ट भी करते हैं। तो हर बंदा रोज़ों की तैयारी अपने तरीके से करता है, मगर आज की वीडियो में मैं आपको अपने किचन में नहीं लेकर जाऊंगी और मैं आपको ये नहीं बता रही कि मैंने क्या कुछ करके रखा है रोज़ों के लिए। ठीक है, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ और है। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि जो मेरा चैनल है वो बेसिकली दैट इज़ एन एम बेस्ड चैनल, जिसमें मेरा एम है कुछ, आई वांट टू फुलफ़िल दैट। दूसरी बात ये कि मैं बनाती हूँ ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको फ़ौरन से मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, मैं ना ही बहुत अच्छी मुसलमान हूँ, मगर एक मुसलमान होने के नाते कुछ बातें जो है वो दिल की एज अ मुस्लिम मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो वो मैं वो करती हूँ और जिसमें मेरी कोशिश ये होती है कि वो अथेंटिक हों और वो गलत ना हो, क्योंकि अमर बिल मरूफ और नहीं अनिल मुनकर हर मुसलमान कर सकता है, मगर उसके लिए चंद शरायत हैं। उसके लिए पहली शर्त तो ये है कि आप उस पर अमल करते हो। तो मैं जिस बात पे ख़ुद अमल करती हूँ मैं आपसे सिर्फ वो बात करूँगी। इस्लाम की बातें करने से, अल्लाह का जिक्र करने से दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है और अल्लाह ताला को भी अच्छा लगता है कि उसे याद किया जाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर आप मुझे दिल में याद करोगे तो मैं दिल में आपको याद करूँगा, अगर आप मुझे किसी के सामने ज़िक्र करोगे तो मैं भी फरिश्तों के सामने आपका ज़िक्र करूँगा, किसी महफिल में याद करोगे तो अल्लाह ताला हमें महफिल में याद करेंगे। तो अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए, उसके लिए आप लोगों का मौलवी या आलिम या आलमा होना कतन ज़रूरी नहीं है। अल्लाह की बातें करने के लिए एक अच्छा मुसलमान होना भी ज़रूरी नहीं है, आप मुसलमान हों आपके लिए ये भी काफ़ी है, क्योंकि शायद अल्लाह का ज़िक्र करने से और ऐसी अल्लाह की बातें करने से आप अच्छे मुसलमान बन जाएँ। तो किसी को डिस्करेज ना किया करें, अगर कोई अल्लाह ताला की बात कर रहा है, चाहे ख्वाब वो किसी भी तरह का हो, कोई गुनाहगार हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो कोई अल्लाह की बात आपसे शेयर कर रहा है तो प्लीज़ उसको डिस्करेज मत किया करें, उसको इनक्रेज किया करें ताकि उसके अंदर मोहब्बत और आए, इस्लाम की और अल्लाह ताला की मोहब्बत और आए और उसको और बातें वो शेयर करें। क्योंकि जब इंसान कुछ चीज़ें शेयर करता है तो वो उसको ख़ुद पर सम हाउ उसका दिल करता है कि वो इन पर अमल करे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा से वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक आज का बहुत ही अहम है, हमने रोज़ों के प्रिपरेशंस कैसे करनी है। हमने रोज़ों की तैयारी ऐसे करनी है, सबसे पहला काम क्लिनलीनेस। जैसे हम घरों की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मोपिंग करते हैं, झाड़ पूंछ करते हैं, और इसी तरह मसाजिद की, गली मोहल्लों की, और अपने आपने हरम में देखा होगा वहाँ पे जब ये सब सफाई का एक अमल जो है वो हो रहा होता है, उसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है, सफाई निस्फ ईमान है, हमने चीज़ों को साफ़ रखना है। तो उसी तरह दिल की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है कि सफाई जो है, दिल की सफाई पूरा ईमान है, क्योंकि दिल गंदा होगा तो हम ईमान का कोई भी काम नहीं कर सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन हमारे दिलों से भी सवाल करना है कि हमारे दिलों में क्या छुपा हुआ था। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी फरमाते हैं कि आपके दिलों से भी सवाल किया जाएगा। तो इसलिए दिल साफ़ होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि इल्म सीखने के लिए, उसमें नई गुंजाइश पैदा करने के लिए हमें तब भी अपने दिल को साफ़ करके उसमें जगह बनानी है ताकि उसमें कुछ नया और अच्छा आ सके। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और जगह फरमाते हैं कि ये आँखों के नहीं दिल के अंधे हैं, तो हमने दिल के अंधे नहीं होना। तो उसके लिए हमने अपने दिल को दूसरों के लिए हर तरह की जेलिसी, नफ़रत, हसद, बुगज और इस तरह की जितनी भी आपके दिल में दिल की बीमारियां हैं जो कि इंसान को कुछ अच्छा नहीं करने देती, उनसे दिल को पाक कर लेना है।
तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने सब कुछ भूल जाना है, अल्लाह ताला के लिए हमने सबको माफ़ कर देना है, अपना दिल सबकी तरफ से साफ़ कर लेना है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से माफ़ी की उम्मीद तो रखते हैं मगर हम लोगों को माफ़ नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमने सबको माफ़ करके फिर आगे बढ़ना है। हम करते क्या हैं, हम सहरी में इतना खा लेते हैं कि हमें इफ्तार तक भूख ना लगे। भाई रोज़े का असल मकसद ही ये है कि हमें भूख लगे ताकि हम दूसरों की भूख को महसूस कर सकें। तो रोज़े का असल मकसद ये है, रोज़े में सिर्फ खाना पीना ही हमारी ज़िंदगी नहीं है। आप देखें कि जब रोज़े शुरू होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेसिपीज़ देखते हैं और नई से नई रेसिपी ट्राई करते हैं, हम लोग खाने को इतना टाइम देते हैं। तो हमारा जो बेसिक एजेंडा है रोज़ों का, वो सिर्फ खाना नहीं होना चाहिए। और जैसा कि हम सबको पता है कि रोज़ों में माशाल्लाह से लैलतुल कदर आती है, रमज़ान की जो एक सबसे ज़्यादा बाबरकत रात होती है, वो रात है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया था। तो और इस रात का हम सब मुसलमानों को पता है कि रात कितनी रातों से, कितने हज़ार महीनों से बेहतर है, और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को उसकी तौफीक दे कि हम वो हासिल कर सकें। तो मैं शबे कदर के लिए जो करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि जितनी ताक रात होती है उसमें सब में मैंने एक रूटीन बनाई हुई है कि मिनिमम इतने नवाफिल पढ़ने हैं और मिनिमम इतनी तस्बीहात करनी है, ताकि अगर वो उनमें से कोई एक भी लैलतुल कदर होगी तो हम जैसे गुनाहगारों के हिस्से में कुछ तो आएगा। कि जैसे सूरत यासीन आपने इतनी दफ़ा पढ़ ली, या अगर आप पूरा कुरान ज़्यादा ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, चंद नवाफिल पढ़ लिए, नफल हाजत पढ़ लिया, अस्तगफार की एक दो तस्बियाँ, तीन तस्बियाँ एटलीस्ट कर लें, कसरत हो जाती है उससे, 313 दफ़ा जब आप करते हैं, दरूद शिफ्ट कर लें, और उसके बाद और जो कुछ तस्बीहात हैं जो हम करते हैं वो कर लें, तो ये सारी तस्बीहात आप जब थोड़ी थोड़ी भी करेंगी तो अल्लाह के फजल से अगर वो लैलतुल कदर होगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हमारी हज़ारों जो है वो उसका सवाब हज़ारों लाखों में बदल जाएगा। रोज़ों में जैसे कि मैं पता है कि नवाफिल और सुन्नतों का सवाब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमने क्या करना है कि जो तमाम सुन्ना और नवाफिल को कोशिश करना है कि वो पूरा अदा करें, ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी कहना है। और डेली हमने आप अपने बच्चों के साथ या खुद अपनी कुरान पढ़ने की एक रूटीन बनाएं जो टाइम आपको सूटेबल हो, ताकि हम जो है वो कुरान को ख़त्म कर सकें। क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है तो इसमें कुरान पढ़ने को बहुत ही ज़रूरी बनाएं। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो इतनी तौफीक दे कि हम लोग कुरान पूरा कर सकें। अगर आप लोग किसी दौरा कुरान या कुरान क्लास पे नहीं भी जा सकते तो कुरान नेट पे इतने ज़्यादा दौरा कुरान अवेलेबल हैं, उनकी सीरीज़ अवेलेबल हैं, उनकी सीडीज़ अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपको दौरा कुरान घर बैठे करा रहे हैं। तो हम लोगों को वो लाजमी ज्वाइन करना चाहिए और उससे कुछ ना कुछ हमने सीख के लर्न भी करना है। क्योंकि अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगी। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।